हूं फरहान और एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, सरकार के खिलाफ कोई विरोध नहीं करना है, कोई सरकार का विरोध नहीं होना चाहिए, सरकार से कोई सवाल भी नहीं पूछना है, वरना क्या होगा, आपका भी उमर अब्दुल्ला बना दिया जाएगा, आपको भी फारूक अब्दुल्ला बना दिया जाएगा, आपको भी महबूबा मुफ्ती की तरह हिरासत में ले लिया जाएगा और आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, कोई बयान नहीं दे पाएंगे। और वो हिरासत का दायरा कितना होगा, कितनी उसकी अवधि होगी, यह भी समझ में नहीं आएगा। हम बात कर रहे हैं जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं पप्पू यादव, हम उनकी बात कर रहे हैं। उन्होंने बीते समय पर एनआरसी और नागरिकता संशोधन विधेयक का लगातार विरोध किया है, सड़क पर उतर के भी विरोध किया है और बंद का भी ऐलान करने की बात की है और कहा था कि वह समर्थन में उतरेंगे उन छात्रों के भी जिनके ऊपर बर्बरता की जा रही है, उनको पुलिस द्वारा उनकी पिटाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को यह बात पसंद बिल्कुल नहीं आई है पप्पू यादव की। उन्होंने कहा है कि आखिर सत्ताधारियों के खिलाफ आप कैसे बोल सकते हैं, सत्ताधारियों के खिलाफ तो सवाल उठाने का कोई सवाल ही नहीं होता है, आप कैसे सवाल उठा सकते हैं, हम तो भारी बहुमत से आए हैं, हमसे कोई सवाल कैसे कर सकता है, हमें तो जनता मत देने के लिए तैयार है, भारी बहुमत से हमें जिता रही है, हमें तो जनता भी सपोर्ट कर रही है, सबसे ज़्यादा वोट बैंक हमारा है, तो आप हमसे सवाल कैसे कर सकते हैं। यह सोच हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की कि यदि आपको बहुमत प्राप्त होता है तो आपसे सवाल करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, यदि आपसे कोई सवाल करेगा तो उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। तो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं पप्पू यादव, इन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। 19 दिसंबर को बिहार में वाम दलों के साथ मिलकर के बंद का ऐलान वह कर रहे थे, जिसके संबंध में प्रशासन ने धारा 107 लगाकर उन्हें नज़रबंद कर दिया है उनके ही आवास पर। अब वह आवास में कब तक नज़रबंद रहेंगे इसकी कोई अवधि नहीं है। जिस तरह आपने देखा कि फारूक अब्दुल्ला जो कि मुख्य धारा के नेता हैं, खुद सांसद भी हैं, कश्मीर को भारत से जोड़े रखने में उनके परिवार का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसको भुलाते हुए नज़रबंद कर दिया गया, उसकी अवधि भी बढ़ा दी गई, या जब तक अवधि बढ़ा दी जाएगी जब तक भारतीय जनता पार्टी यह नहीं इसमें संतुष्ट नहीं हो जाती है कि कश्मीर में अब उनके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, खिलाफ किसी उनके खिलाफ बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। पप्पू यादव ने बोला, वह भी जद में आ गए। जिस तरह हम देख रहे थे 370 के पक्ष में थे बहुत सारे नेता, उनको नहीं पता था कि वह गाज उन पर भी गिरने वाली है जो फारूक अब्दुल्ला पर गिर गई है। अब कल तक वह जेल में थे, आज भी वह हिरासत में है, अब पप्पू यादव भी हिरासत में आ गए हैं। आने वाले समय में क्या अखिलेश यादव भी हिरासत में जाएंगे, और क्योंकि उनकी पार्टी भी विरोध में है, उनके पार्टी के भी नेता विरोध में हैं, कांग्रेस के और कितने नेता हिरासत में जाने वाले हैं। अब क्या पूरे भारत को कश्मीर बना दिया जाएगा, पूरे भारत को एक पिंजरा बना दिया जाएगा, कैद खाना बना दिया जाएगा, तब तक के लिए जब तक आप इस बात की संतुष्टि ना कर लें, जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएं कि जनता आप कोई सवाल नहीं करेगी, वह नेता आप किसी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे, जनता सड़कों पर नहीं उतरेगी। जनता क्यों सड़कों पर ना उतरे, क्यों उनसे उनके मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, क्यों बोलने का अधिकार छीना जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का दमन क्यों किया जा रहा है, अब क्या सरकार से सवाल नहीं उठाए जाएंगे। जिस तरह पप्पू यादव को हिरासत में लिया गया है, आने वाले समय में और कितने नेताओं को हिरासत में लिया जाएगा, इस संबंध में अपनी राय हमें अवश्य दें, आपकी राय महत्वपूर्ण है। क्या आने वाले समय में एनआरसी लागू हो जाएगी या सरकार को इससे पीछे हटना पड़ेगा, क्या नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर सरकार को अपने कदम को बैकफुट पर लाना पड़ेगा, इस संबंध में राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।